हेलो फ्रेंड्स, ये है ट्रेनिंग ट्यूटोरियल पार्ट 2 HW16। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हम स्लाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ, उसमें जितने फीचर्स आ रहे हैं इन फीचर्स को कैसे यूज करना और इसका वर्क क्या है। ये फर्स्ट वन है ब्लूटूथ कॉलर। आपने ब्लूटूथ कॉलर को ऑन किया, आप अपने मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो ब्लूटूथ कॉलिंग है ये आपकी इनेबल हो जाएगी। आपने वो चेक करना है, तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। अभी मैंने कनेक्ट नहीं की हुई, यहाँ पे आपको कॉलिंग का साइन डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड इसमें फीचर्स है, ये है ऑलवेज डिस्प्ले ऑन, यानी आप अपनी मोबाइल के डिस्प्ले को परमानेंटली ऑन रखना चाहते हैं तो ये ऑलवेज डिस्प्ले ऑन फीचर्स को ऑन रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो डिस्प्ले है कंटिन्यूसली ऐसे ही ऑन रहेगी, मुझे यहाँ से स्लाइड करने की भी जरूरत नहीं है, या मतलब मुझे किसी भी तरह की इस वॉच को ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओपन ही रहेगी, ऐसा ही रहेगा जब तक हम इस फीचर को इनेबल करके रखते हैं। थर्ड वन है 3 सेकंड लॉक। इसका बेनिफिट ये है, जैसे आपने ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रखा हुआ है तो आपकी डिस्प्ले ऐसे ही रहेगी, तो आपका कोई भी फीचर डायरेक्टली ओपन हो सकता है, लेकिन जब हमने 3 सेकंड लॉक लगा दिया तो ये आप जितना मर्जी स्लाइड आउट करके देख लें, आपको तब तक ये फीचर्स यूज नहीं कर सकते जब तक आप इसे 3 सेकंड प्रेस करके अनलॉक नहीं करते। अब देखिए थर्ड वन है पावर ऑफ। पावर ऑफ फीचर यानी डायरेक्टली शट डाउन करना है आपने अपनी वॉच को, तो यहां से पावर ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए मुझे वॉच को ऑन करना होगा। नेक्स्ट फीचर है सेटिंग। सेटिंग फीचर में आपको जितनी भी इसके अंदर की सेटिंग्स है ये सभी डिस्प्ले होंगी, तो मैं इसके बारे में जब सेटिंग्स का इंफॉर्मेशन होगी तब क्लियर करूंगा। अब ये लास्ट वन है म्यूट। इसके बाद आपकी वॉच बिल्कुल म्यूट हो जाती है, आपको किसी तरह की वाइब्रेशन या बाकी वर्कआउट नहीं होगा इसमें। तो आज की इस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में इतना ही।